अब देखिए नेताओं को सर, अगर कोई उपचुनाव हुआ उसमें 2 साल के लिए भी अगर वो सांसद विधायक होना तो उसको आजीवन पेंशन मिलता है, और 4 साल हमारा सेना का जवान अपने जान पर खेल कर ड्यूटी देगा, उसको कोई पेंशन नहीं है। पेपर तो अच्छा हुआ था, लेकिन जब इस तरह लीक होता जाएगा तो बताइए पेपर अच्छा होने का क्या मतलब है। जो बच्चा पढ़ रहा है उसकी भी वही क्वालिटी आ रही है, जो बच्चा नहीं पढ़ रहा है उसको पेपर मिल रहा है उसकी भी वही क्वालिटी आ रही है, तो फर्क अच्छी क्वालिटी आ रही है। चाहते हैं सरकार भी चाहती है कि लोग पढ़े ना, सर्विसेज में ना जाएं, यही सब करें। लोग एग्रीकल्चर से सर्विसेज की ओर शिफ्ट हो रहे थे, अब जाके लोग सर्विसेज से फिर एग्रीकल्चर की ओर जा रहे हैं। मतलब देश बढ़ रहा है घट रहा है पता नहीं है चल रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे। 2024 में अब दिए जाके चुनाव की वजह से वैकेंसी आ गई। अब वैकेंसी आई है 3500 वैकेंसी आई एग्रीकल्चर में। तो आप सोचिए 6 साल बाद दे रहे हैं वो। और 6 साल क्या कर रहे थे आप? 6 साल सोचे थे तैयारी भाई, उम्मीद थी कि आएगी भर्ती। बस दे रहे थे कि अगले साल आएगी के चक्कर में 6 साल बीत गए। तो आज हम बात करने के लिए आए हैं उन छात्रों से जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, कभी लाइब्रेरी में तभी कभी कोचिंग सेंटर में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे साथ ये इधर लड़के हैं इधर लड़कियाँ हैं जो तैयारी करती हैं। इनमें से कई बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा भी दी है, जिसके बाद पेपर लिखो और फिर से वो तैयारी करें ताकि दोबारा जब पेपर हो तो वो कायदे से पेपर दे सके और सब कुछ कर सके। क्या भाई क्या लग रहा है कि मतलब अब तो चुनावी माहौल चल रहा है, चुनाव बाद आपका पेपर होने, तैयारी वाली कैसे चल रही है अभी? तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है सर। जैसा कि आपको हम बताना चाहते हैं कि हमारे देश में 7 फेज में चुनाव है। इलेक्शन कमीशन आता है और कहता है 7 फेज में चुनाव होंगे, उसकी डेट अनाउंस करता है, रिजल्ट की डेट भी अनाउंस कर देता है। और लगभग 50 करोड़ जो वोटर हैं, 7 फेज में चुनाव उनका करवाया जाता है, 50 करोड़ लोगों को ये लोग संभाल लेते हैं। और उसके बाद उसके 15 दिन के बाद ही लगभग उसका रिजल्ट दे दिया जाता है। और छात्रों की बारी जब आती है तो उसमें पेपर लीक हो जाता है, रद्द हो जाता है। तो सर ये सरकार की मंशा साफ साफ है नौकरी ना देने की, क्योंकि अगर वो चाहे तो पेपर लीक नहीं होगा। जब वो 50 करोड़ मतदाताओं को संभाल सकती है 7 फेज में, इतनी भारी संख्या में जब वो चुनाव करवा सकती है लोगों का, वो बना सकती है एस्टीमेट उसका, तो 50-60 लाख हमारे छात्र जो हैं उनके लिए वो एस्टीमेट क्यों नहीं बना सकती है? अब जबकि कहा भी जाता है कि युवा तो देश का भविष्य होते हैं, जब देश का भविष्य ही अंधकार में रहेगा, देश के भविष्य के साथ ऐसे खिलवाड़ होगा तो फिर कैसे देश आगे बढ़ेगा? हाँ सर, यही तो बात कहना चाह रहे हैं ना, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, युवाओं के साथ। तैयारी कर रहे हो भाई तुम? सर तैयारी 2021 से कर रहे हैं सर। पहले एयरफोर्स की तैयारी करते थे, उसको कंप्लीट किए हम, फिर जब अग्निवीर आ गई तो उससे हम हट गए। अब SSC CGL की तैयारी। अग्निवीर पे भरोसा नहीं है? नहीं सर, अग्निवीर पे भरोसा नहीं। और सरकार तो बड़े बड़े दावे करती, बड़े बड़े एड्स बनवा रही थी कि अग्निवीर बहुत अच्छी योजना है। सर कोई अच्छी योजना नहीं है, जैसा कि आप जानते हैं। जब तक अग्निवीर नहीं आई थी तब तक आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे थे कि नहीं अब तो एयरफोर्स में जाना है, और जैसे ही अग्निवीर आई आपने तैयारी बंद। जी जी जी, शहीद का दर्जा ही नहीं है उसमें तो क्या मतलब है, कम से कम तिरंगे का कफन तो मिले। मतलब देश के लिए अगर आप अपनी जान गंवा रहे हैं या देश के लिए आप मर मिट रहे हैं तो उसमें मिलना चाहिए ना आपको उसका श्रेय। अब देखिए नेताओं को सर, अगर कोई उपचुनाव हुआ उसमें 2 साल के लिए भी अगर वो सांसद विधायक बना तो उसको आजीवन पेंशन मिलता है, और 4 साल हमारा सेना का जवान अपने जान पर खेल कर ड्यूटी देगा, उसको कोई पेंशन नहीं है। मतलब अग्निवीर योजना ठीक नहीं है? नहीं सर, कोई ठीक नहीं। अच्छा ये बताओ कि बेरोजगारी का आलम बढ़ गया है, कोचिंग सेंटर्स में बच्चे भी देखे जा रहे हैं, लगातार साल दर साल तैयारी हो रही है, क्या उम्मीद लग रही है कि आगे नौकरी मिलेगी? सर उम्मीद लग रही है, अगर बदलाव होता है तो नौकरी मिलेगी। क्या भाई कैसे तैयारी हो रही है आपकी? सर हमारी भी UPP की तैयारी चल रही है सर। UPP का पेपर दिया था तो हम लोगों ने मतलब बहुत एक मन से होता है ना कि एक स्टूडेंट जब तैयारी करता है तो बहुत लग के तैयारी करता है, और तैयारी लगने के बाद में फैमिली का भी फोर्स रहता है कि फैमिली वहाँ से पैसे देती है कि यार वहाँ अच्छा, पे जाओ फैमिली जाए तो रिश्तेदारों का फोर्स होता है, रिश्तेदार बाबा पूछते होंगे लोंडवा क्या कर रहा है। रिश्तेदार बस ये पूछते, रिश्तेदार पूछना नहीं, रिश्तेदार का मतलब होता है ताना देना। अच्छा रिश्तेदार केवल ताना देता है, बट जो एक्चुअल फिगर होती है वो हमारे फैमिली वाले करते हैं। फैमिली वाले देखते हैं यार बच्चा वहाँ उतनी दूर गया पेपर देने। मेरा खुद का सेंटर अयोध्या में गया था, वहाँ पे जाने के बाद में उतनी दूर फिर गया, वहां से आने के बाद में हम सुबह बस सोए हुए थे कि मेरे पास एक लड़का फोन किया, अगले दिन का पेपर था, कि भाई पेपर लीक हो गया। अच्छा मैं यार बोल के सो गया, मैंने कहा क्या मजाक कर रहे हो। उसके बाद जब उठा तो वही हो गया यार, मतलब थोड़ा सा एग्जाम हो रहा है, एग्जाम लीक हुआ जा रहा है, और चुनावी माहौल में इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है फिर भी चुनाव को लीक नहीं होता है। और अग्निवीर के बारे में भी बोलना चाहूंगा थोड़ा सा। अग्निवीर जो है, अग्निवीर सीधा सीधा हमारे देश की सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ है। अच्छा
बिल्कुल, क्योंकि अग्निवीर में केवल 4 साल के लिए नौकरी मिल रही है। मतलब एक युवा जो है वो अपनी जान की भी फिक्र ना करके केवल सरहद पे खड़ा हो रहा है जाके, वो भी शान से कि हाँ मैं देश के लिए कुछ कर सकता हूँ, लेकिन उसके साथ में ये खिलवाड़ हो रहा है कि भाई केवल 4 साल, और 4 साल के बाद ना उसको पेंशन मिल रही है, ना उसको शहादत का दर्जा मिल रहा है कि अगर कुछ भी हो गया तुमको शहादत भी नहीं। यहाँ पे अगर नेता को एक बार मिल जाता है उसको पेंशन मिला करती है आजीवन। यही बात इन्होंने भी कही कि उसको नेताओं के लिए सहूलियत है, और जो बच्चे देश के लिए, नेताओं के लिए इतना सब दिया जाता है कि अगर कहीं से नेता आ जा रहा है तो पूरी सारी रोड खाली कर दी जाती है। और बताइए इससे ज्यादा क्या होगा। मतलब संसद में भी उनका होता है कि 1 रुपये प्लेट में थाली में खाना मिलता है ना उनका। बट क्या लगता है कि ये जो गवर्नमेंट चल रही पिछले 10 सालों से, इसमें बेरोजगारी बढ़ी है घटी है? 101% बढ़ी है। अच्छा, 101% बढ़ी है, क्योंकि मान के चलिए आपका 4 से 5 साल के बाद यूपीपी का एग्जाम आया है दोबारा, और यूपीपी एग्जाम में भी वो भी तुरंत लीक हो रहे, वो भी ऐसा लीक कि शायद 1 महीने में 2-2 पर्चे लीक हुए थे, वो आरओ का समीक्षा अधिकारी। अरे इस बार के हर पेपर लीक हुए, यहाँ तक कि 12th, 11th, 12th और क्लास 8 तक के पेपर नहीं बचे हैं। बताइए आज तक कभी ऐसा हुआ है कि भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कर रहे थे, और भ्रष्टाचार इन्हीं की सरकार में दिखाई दे रहा है, और अंदर के लोग होंगे जो लीक करवाते होंगे। 101% अंदर, जब तक अंदर का साथ नहीं होगा तब तक पेपर लीक हो ही नहीं सकता है। अच्छा चलिए, और इधर कुछ लड़कियां भी हैं जो तैयारी करती हैं, क्या लग रहा है काहे की तैयारी कर रहे हो आप लोग? हम तो SSC की कर रहे हैं। अच्छा SSC कर रहे हो, मतलब नौकरी पाने की उम्मीद है? जी। इससे पहले काहे की तैयारी कर रहे थे? नहीं, हम लगातार SSC की कर रहे थे, लेकिन ये है एग्जाम आते हैं तो एग्जाम तो देना ही है, क्योंकि तैयारी जब SSC की कर रहे हैं तो एग्जाम तो सारे ही देंगे। अच्छा UPP का एग्जाम दिया था? जी। अच्छा क्या लगा जब देने गए, पेपर कैसा हुआ था पहले तो ये बताओ? पेपर तो अच्छा हुआ था, लेकिन जब इस तरह लीक होता जाएगा तो बताइए पेपर अच्छा होने का क्या मतलब है? जो बच्चा पढ़ रहा है उसकी भी वही क्वालिटी आ रही है, जो बच्चा नहीं पढ़ रहा है उसको पेपर मिल रहा है उसकी भी वही क्वालिटी आ रही है, तो फर्क अच्छी क्या क्वालिटी आ रही है? कुछ बहुत बहुत सवाल करके आ गए थे, मतलब जितने क्वेश्चन थे वो सारे के सारे करके आ गए थे कुछ, तो जिनको मिल गया था। हाँ तो वही तो बोल रहे हैं, पढ़ने वाला बच्चा भी अगर उतने ही नंबर पाता और ना पढ़ने वाला बच्चा भी उतने ही नंबर पाता तो क्या फर्क रह जाएगा आगे, और देश का क्या विकास होगा? कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हम आपकी 30 लाख नौकरियाँ दे देंगे, अब वो सरकार आने के बाद पता चलेगी ना। जैसे ये भी आने से पहले कह रहे थे कि हम सबसे ज्यादा रोजगार देंगे, लेकिन आने के बाद क्या? 2 करोड़ दे देंगे ना, 2 करोड़ कह रहे, क्या कह रहे थे? 2 करोड़, 2 करोड़ नौकरियां देने के बाद 2 करोड़ एक को नहीं मिली है? नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इवन जैसे कि जो सेकेंडरी एजुकेशन पास लोग हैं उनका 65.7% लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं, तो आप बताइए कहाँ किसको रोजगार मिला है? और ऐसा नहीं कि जो सेकेंडरी एजुकेशन वाले हैं वही बेरोजगार हैं, सभी बेरोजगार हैं। 60,000 आई थी नौकरियाँ उसकी यूपी पुलिस की, उसमें 50 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, तो ये 50 लाख लोग कहाँ से आ रहे हैं? ऐसा तो नहीं उनके पास हायर एजुकेशन भी है, अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ है, फिर भी वो ऐसे मतलब लो लेवल की भी नौकरियों में डाल रहे हैं हाथ, कि कहीं तो कुछ तो मिल जाए उनको। कोई भी चपरासी की भर्ती भी आती तो उसमें लाखों उसमें भी डाल देते हैं, ग्रेजुएट हैं, अच्छे से ग्रेजुएट हैं, बीटेक किया हुआ है कोई नहीं, सब में डाल रहे हैं ताकि उनको नौकरी मिल जाए बस। नौकरी की इतनी ज़्यादा वो है कि जो बच्चा पढ़ा लिखा है अच्छी अच्छे पद पर उसे होना चाहिए, वो भी छोटी छोटी नौकरियों के लिए कहीं मिल भी जाए सरकारी, वो मजबूर है ये करने के लिए ना। और जिनके पास बहुत ज़्यादा एजुकेशन है वो क्या, वो उनके पास अच्छी अच्छी स्किल्स हैं तो वो बाहर माइग्रेट कर रहे हैं। यूपी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, लोग यहाँ के हैं, वो इंटर स्टेट माइग्रेशन कर रहे हैं, महाराष्ट्र जा रहे हैं, दूसरी दूसरी जगह जा रहे हैं ताकि उनको कहीं से कुछ काम करने को मिल जाए। इवन इसराइल तक जा रहे हैं जहाँ वार कंडीशन है। आप सोचिए कितनी हैजार्डियस सिचुएशन में जाने के लिए तैयार हैं लोग, ताकि उनका घर चल सके, उनको अच्छी लाइफस्टाइल मिल सके। और GDP बढ़ रही है, बता रहे हैं GDP बढ़ रही है तो एम्प्लॉयमेंट भी तो बढ़नी चाहिए ना, एम्प्लॉयमेंट बढ़ नहीं रही है। बिना एम्प्लॉयमेंट बढ़े आप GDP चाहिए उतना बढ़ा लीजिए, दिखा दीजिए। आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आपके आपसे सीनियर लोग भी तैयारी कर रहे होंगे, आने वाले लोग भी तैयारी कर रहे हैं, मतलब एक जो दायरा तैयारी करने वालों का बढ़ता चला जाए, नौकरियां नहीं मिलेंगी तो फिर कैसे काम बनेगा? ऐसे ही तैयारी करते रहेंगे, फिर बाद में स्ट्रीट पे जाके कुछ खोल लेंगे, ऐसे काम, पकौड़ा तलेंगे, मतलब पकौड़ा तलेंगे और क्या करेंगे। लड़कियां भी तो वही गई, वो BA वाली थी, वो जो चाय की दुकान खोल दी, पकौड़ा तले, हाँ BTech वाली, सब यही करेंगे और यही चाहते हैं। सरकार भी यही चाहती है कि लोग पढ़े ना, सर्विसेज में ना जाएं, यही सब करें। लोग एग्रीकल्चर से सर्विसेज की ओर शिफ्ट हो रहे थे, अब जाके लोग सर्विसेज से फिर एग्रीकल्चर की ओर जा रहे हैं। मतलब देश बढ़ रहा है घट रहा है पता नहीं है चल रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे। अच्छा मतलब देश मोदी, लेकिन मोदी जी तो कह रहे थे कि देश बढ़ रहा है, जुमले हैं बस। अच्छा मोदी जी जुमले मारते हैं और क्या, इतना सारा झूठ बोलेंगे। अभी तो आया है ना सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कहा है कि आप डिबेट करिए आके राहुल गांधी से, उसके लिए तैयार हो जाएं कर लें। अच्छा अगर इतने सारे इनके पास डाटा है, इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट है अपने। अच्छा, राहुल गांधी को देखिए क्या लगता है कि राहुल गांधी जो ये दावे कर रहे हैं, गारंटियां दे रहे हैं, ये भी मोदी जी की तरह तो नहीं हो जाएंगे? थोड़ा विश्वसनीय लगता है, वो तो सरकार आने के बाद पता चलेगा, सब तो लोग बदल जाते हैं ना सरकार आने के बाद। मतलब राहुल गांधी थोड़ा लगता है कि पढ़े लिखे हैं, ऐसा कुछ लगता है कि वो कुछ कर पाएंगे देश के लिए
लिए और खासकर युवाओं के लिए? युवाओं के लिए, उनकी बातों से ऐसा लगता है पिछले कुछ सालों में उनकी इमेज काफ़ी बेकार करी गई थी। हाँ। अब जाके उन्होंने, अब इंसान इतने दूर पैदल चल रहा है, लोगों से मिल रहा है, तो कुछ तो भरोसा बढ़ेगा ही लोगों का। भरोसा बढ़ रहा है, विश्वास बढ़ रहा है, धीरे धीरे डेफिनेटली बढ़ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। क्या लग रहा है, आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है कि कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है? सर अभी इसका रिजल्ट मिल रहा है, वो दिमाग में तो चढ़ रहा है, लेकिन क्या वो जिस एम के साथ हम मेहनत कर रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं वो मिलने की उम्मीद है? अभी तक तो रिजल्ट नहीं मिला है, बाकी अब अगर नई सरकार आती है तो इससे उम्मीद की जा सकती है। बाकी उम्मीद तो मोदी जी से भी की गई थी, नहीं हुआ तो क्या ही कर सकते हैं, तो औरों से भी उम्मीद करनी पड़ेगी। युवाओं ने सबसे ज्यादा मोदी के लिए नारे लगाए थे, अब तब लगाए थे, उम्मीद थी उन पे, भरोसा था, अब उन्होंने भरोसा तोड़ा है तो और दूसरों पे तो भरोसा करना ही पड़ेगा ना, हमेशा उन पे ही भरोसा नहीं करके रख सकते हैं। भरोसा किया तो था उन पे, नहीं मिली नौकरियां कहाँ मिली, उन्होंने 2 करोड़ का वादा किया था, 2 करोड़ नौकरियां कहाँ रखी हैं? अच्छा कितने घंटे पढ़ाई करते हो आप लोग? सर 5 घंटे तो कोचिंग में ही हो जाता है, 5-6 घंटे और फिर 7-8 घंटे घर में। हाँ, घर में जी। मतलब देखिए आप, ये लड़कियां हैं जो मेहनत कर रही हैं, और भी कुछ है, एक ये अभी ऑफ कैमरा बात हो रही थी कि ये एमएससी एजी हो, एमएससी एग्रोनॉमी से। अच्छा एग्रोनॉमी से एमएससी, तो आप समझिए कि ये मतलब पढ़े लिखे हैं और तैयारी यूपीपी के कर रहे थे, क्या करें, मतलब एमएससी कर लिया आपने? अब हमने 2019 में बीएससी एजी पास आउट हुए हैं। अच्छा, तो 2018 में आई थी वैकेंसी, तो उसके बाद फिर अब 2024 में अब दिए जाके चुनाव की वजह से वैकेंसी आ गई है। अब वैकेंसी आई है 3500 वैकेंसी आई एग्रीकल्चर में, तो अब सोचिए 6 साल बाद दे रहे हैं वो। और 6 साल क्या कर रहे थे आप? 6 साल सोचे थे, तैयारी वही, उम्मीद थी कि आएगी भर्ती, बस दे रहे थे कि ये अगले साल आएगी के चक्कर में 6 साल बीत गए। हाँ, अब यूपीपी की तैयारी, और क्या तैयारी कर रहे थे? बस यूपीपी चल रहा, वनडे एग्जाम कुछ भी निकले। हाँ, बस निकले, नौकरी मिले बस, सरकारी जॉब, उम्मीद यही है कि सरकारी मिल जाए, सरकारी मिले बस, शादी ब्याह हो जाए। अरे वो तो फिर बात की बात है। लड़कों के लिए सबसे ज्यादा समस्या है, क्योंकि गाँव घर में ये कहावत है कि पहले नौकरी फिर छोकरी, और फिर छोकरी भी ठीक ठाक मिल जाती है, और यहाँ तो बड़ा दहेज वहेज भी चलता है, जब नौकरी नहीं मिली दहेज भी नहीं मिलता है। अरे नहीं, दहेज की तो बात अलग है सर, दहेज वहेज तो अच्छा बात की बात है, बात की बात, पहले नौकरी है। हाँ, पहले खुद तो प्रिपेयर हो जाए, पहले नौकरी मिल जाए, पहले खुद के लिए लगता है नौकरी मिलेगी सरकार में, देखते हैं सर। वैकेंसी आई, अब देखो इसका कब तक होता है।